तो अभी तक हमने डिस्कस किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्वांटम इफेक्ट, ठीक है। ये दोनों जो टॉपिक थे, और यहाँ जो आने वाला टॉपिक है, तीसरा टॉपिक है पेयर प्रोडक्शन। ये जो तीनों टॉपिक है ये आते हैं रेडिएशन, इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, इसके अंडर तीनों टॉपिक आते हैं, ठीक है। मैटर के साथ जो रेडिएशन की इंट्रैक्शन है वो कितने टाइप की हो सकती है हमारे पास, तो इसमें तीन है हमारे पास, देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट एंड पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। देखो, पेयर प्रोडक्शन क्या है हमारे पास, क्वांटम इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने डिस्कस किया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या था, फोटोन किसी मेटल पे इंसिडेंट होता है, लो एनर्जी का फोटोन, तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है और मटेरियल से बाहर आ जाता है, और उस इलेक्ट्रॉन की कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ना कि उसकी इंटेंसिटी पे, ठीक है। हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा, क्वांटम इफेक्ट पढ़ा। क्वांटम इफेक्ट में एक फोटोन इलेक्ट्रॉन से स्कैटर्ड करेगा और इलेक्ट्रॉन है वो रिकॉइल होगा, उसके पास कुछ मोमेंटम होगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, वो हमने कैलकुलेट की थी, ठीक है। इसमें हम डिस्कस करेंगे पेयर प्रोडक्शन, इट इज़ ऑल्सो द केस ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, ठीक है। इनमें सभी केसेस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, चाहे क्वांटम इफेक्ट हो, चाहे पेयर प्रोडक्शन हो, इन सभी में जो इंट्रैक्शन हो रही है रेडिएशन की मैटर के साथ, ठीक है, तीनों केसेस में। पर एनर्जी पे डिपेंड करता है, देखो तीनों केसेस में इंट्रैक्शन मैटर के साथ हो रही है, ठीक है, लेकिन जो रेडिएशन है उसकी एनर्जी पे डिपेंड करता है भाई, जो हमारा फिनोमिना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, क्वांटम इफेक्ट होगा या पेयर प्रोडक्शन होगा, इन एनर्जी बहुत ज़्यादा लो है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। एनर्जी मीडियम है, मीडियम लेवल की एनर्जी है तो क्वांटम इफेक्ट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, और बहुत हाई एनर्जी है तो पेयर प्रोडक्शन हमारे पास होगा। है तीनों सेम फिनोमिना है, इंट्रैक्शन विद मैटर विद इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विद लाइट, इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, ठीक है। तो पेयर प्रोडक्शन क्या है, देखो पेयर प्रोडक्शन में क्या होगा, प्रोडक्शन मतलब यहाँ पे दो पार्टिकल का प्रोडक्शन हो रहा है, जो पेयर पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होगा जो गामा फोटोन है वो कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इसे हम कहेंगे पॉजिट्रॉन, ठीक है, इसे हम कहेंगे पॉजिट्रॉन, ठीक है। 1932 में इस पार्टिकल की डिस्कवरी हुई थी पेयर प्रोडक्शन में, ठीक है। गामा जब फोटोन है, ठीक है, जब ये इंट्रैक्ट करता है मैटर से, फ्री स्पेस में ये फिनोमिना नहीं हो सकता, फ्री स्पेस में ये फिनोमिना अक्कर नहीं हो सकता, ठीक है। फ्री स्पेस में क्यों नहीं हो सकता उसको भी हम समझेंगे, क्योंकि फ्री स्पेस में जो कंजर्वेशन लॉज है हमारे, मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, वो लॉ यहाँ पे फॉलो नहीं होंगे, ठीक है। ये लॉ फॉलो होंगे जब मैटर हमारे पास कोई हैवी न्यूक्लियस हो इसके पास, ठीक है, हैवी न्यूक्लियस के प्रेजेंस में ये इक्वेशन है वो होगी, या कोई फील्ड होना चाहिए, फील्ड के अराउंड ये इक्वेशन होगी हमारे पास, या कोई मैटर होना चाहिए, मैटर के अराउंड ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी हमारे पास, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इन जनरल कि जो पेयर प्रोडक्शन इक्वेशन है वो, जो पेयर प्रोडक्शन फिनोमिना है वो हैवी न्यूक्लियस के प्रेजेंस में या इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में ही क्यों होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन इन जनरल पूछा जाता है। तो पेयर प्रोडक्शन है क्या, इसमें गामा फोटोन है, दो पार्टिकल में कन्वर्ट होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन, जो पॉजिट्रॉन है वो इसका एंटी पार्टिकल ही होगा, इस पर चार्ज पॉजिटिव होगा, मास सेम होगा इनका, ठीक है। तो ये दो पार्टिकल है वो गामा फोटोन से प्रोड्यूस होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हैवी न्यूक्लियस। यदि हम फ्री स्पेस की बात करें, फ्री स्पेस में ये फिनोमिना क्यों नहीं हो सकता, देखो फ्री स्पेस में बात करें, मान लो जो गामा फोटोन है उसकी जो एनर्जी है वो है एच म्यू बाय सी, जो गामा फोटोन है, सॉरी एच म्यू इसकी एनर्जी है, एच म्यू बाय सी तो मोमेंटम होगा, एच म्यू इसकी एनर्जी है, जो गामा फोटोन है हमारे पास, ये जो फोटोन है लाइट का फोटोन है, ठीक है, इसकी एनर्जी है हमारे पास एच म्यू, और ये कन्वर्ट होगा हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन, ठीक है। इनका जो मास है वो एम है, मान लो दोनों का मास एम है, रिलेटिविस्टिक मास की हम बात कर रहे हैं, तो ये होगा 2mc² के इक्वल, ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है हमारा, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ठीक है। हम फ्री स्पेस में बात कर रहे हैं, एक गामा फोटोन है, इट कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, ठीक है, ये दो पार्ट में कन्वर्ट हो गया, तो इसकी एक एनर्जी है, देखो एनर्जी मास रिलेशन से हमें पता है mc², और यहाँ पे जो m है वो रिलेटिविस्टिक मास है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं उन पे डिपेंड करो, और m0 इसका रेस्ट मास है,
ठीक है, एम इज द रिलेटिविस्टिक मास। तो यहाँ पे एम हमने रिलेटिविस्टिक मास लिया यहाँ पे, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से। सेकेंड इक्वेशन, मान लो गामा फोटोन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, मोमेंटम कंजर्व करेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मान लो दोनों सेम एंगल पे मान लो दोनों हैं वो गामा, जिस एक्सिस पे गामा फोटोन मूव कर रहा था उसे सेम एंगल पे दोनों डेविएट हो गए, ठीक है, दोनों प्रोडक्ट हुए। मोमेंटम को कंजर्व करना है यहाँ पे मैं, बेसिकली मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होगा, जो फोटोन था वो मूव कर रहा था उसका मोमेंटम था हमारे पास एच म्यू बाय सी इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। अब इनका मोमेंटम मान लेते हैं पी या एम वी मान लेते हैं डायरेक्ट, क्यों वी वेलोसिटी से मान लो दोनों मूव कर रहे हैं, तो इनका मोमेंटम एम वी हो गया। अब एम वी के दो कंपोनेंट है साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा वाले कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि वो वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में जीरो होगा, तो ये होगा हमारे पास टू एम वी कॉस थीटा, ये इक्वेशन होगी हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से एच म्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, टू एम वी सी कॉस थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा। इसको सी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, v बाय सी सी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा टू एम सी स्क्वायर इंटू वी बाय सी कोस थीटा। अब देखो जो v बाय सी की वैल्यू है वो हमेशा वन से कम होगी, बहुत ज़्यादा कम नहीं हो सकती लेकिन कम होगी, ठीक है। और कोस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो वन हो सकती है और वन से कम ही होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो एच म्यू है, ये जो एनर्जी है फोटोन की एनर्जी, वो कितनी आ रही है, वो हमारी आ रही है लेस देन टू एम सी स्क्वायर, क्योंकि ये वन से छोटा है, ये वन के इक्वल हो सकता है, मैक्सिमम इसकी वैल्यू वन के इक्वल हो सकती है, ये वन से कम होगा, तो हमारा जो एच म्यू आ रहा है मोमेंटम कंजर्वेशन से वो क्या आ रहा है, लेस देन टू एम सी स्क्वायर, लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से एच म्यू आ रहा था टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये जो हमारा मोमेंटम है वो यहाँ पे इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है, इस रिलेशन को हमारा सेटिस्फाई, क्योंकि एनर्जी और कहाँ जा सकती है, एनर्जी और कहीं नहीं जा रही, मतलब इसका मतलब क्या है, जो ये जो फिनोमिना है वो एक हैवी न्यूक्लियस या किसी भी मैटर के प्रेजेंट में होगा, और वो जो मैटर होगा वो कुछ जो फोटोन है उसके मोमेंटम को अब्जॉर्ब, यहाँ पे देखो जो एनर्जी एच म्यू है, जो फोटोन की एनर्जी ये जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन अब्जॉर्ब करेंगे, वो एक्चुअल में जो फोटोन की एनर्जी उससे थोड़ी कम होगी, कंप्लीट एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं कर सकते, मतलब कहने का मतलब है फोटोन की जो कंप्लीट एनर्जी है एच म्यू, ठीक है, वो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में नहीं जा सकती अकॉर्डिंग टू दी मोमेंटम कंजर्वेशन। तो कुछ एनर्जी है वो लॉस होगी ही होगी, और उसको लॉस होना ही पड़ेगा तभी ये फिनोमिना होगा हमारे पास, और लॉस वो एनर्जी कैसे होगी, वो मोमेंटम लॉस कैसे होगा, यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व नहीं है, मोमेंटम लॉस कैसे होगा हैवी न्यूक्लियस के प्रेजेंट में, ठीक है, कोई हैवी न्यूक्लियस है हमारे पास, उसके प्रेजेंट में कोई भी मैटर हमारे पास हैवी न्यूक्लियस है, उसके प्रेजेंट में ये फिनोमिना होगा। तो फोटोन का जो कुछ मोमेंटम है वो हैवी न्यूक्लियस में ट्रांसफर हो जाएगा, तो अब यहाँ से जो मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन होगी एच म्यू बाय सी टू एम वी कोस थीटा प्लस सब मोमेंटम न्यूक्लियस का मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस, कुछ एनर्जी है वो न्यूक्लियस को, यदि न्यूक्लियस का मास बहुत ज़्यादा हैवी है तो ऑब्वियसली वो रिकॉयल नहीं करेगा, लेकिन एनर्जी कुछ ट्रांसफर होगी उसके अंदर। तो ये एक हमारे पास एक एक्स्ट्रा टर्म आएगी यहाँ से, तो एच म्यू आएगा हमारे पास टू एम वी सी कोस थीटा प्लस पी प्राइम सी, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टू एम सी स्क्वायर इंटू वी बाय सी कोस थीटा प्लस पी प्राइम सी, तो कुछ पार्ट है एनर्जी का, ठीक है, जो कुछ पार्ट एनर्जी का वो न्यूक्लियस में अब्जॉर्ब होगा, ठीक है, एनर्जी कुछ पार्ट न्यूक्लियस में अब्जॉर्ब होगा। दिस फिनोमिना इज सेट टू बी पेयर प्रोडक्शन, लाइक गामा फोटोन इट कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रॉन एंड इट्स एंटी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ हैवी न्यूक्लियस। व्हाई इन द प्रेजेंस ऑफ हैवी न्यूक्लियस, बिकॉज इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रॉन पार्टिकल एंड पॉजिट्रॉन पार्टिकल दे आर गेटिंग द एनर्जी विच इज ऑलवेज लेस देन द टोटल एनर्जी ऑफ द फोटोन। So in the presence of heavy nucleus, some energy of the photon will absorb by this heavy nucleus, some momentum is absorbed by this heavy nucleus, and the rest of the part of energy will absorb by the will convert into the energy of the electron positive and electron negative. This energy of electron positive and electron negative, it is the combination of
दिस एनर्जी इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉरी दिस एनर्जी इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो ये हमारे पास है पेयर प्रोडक्शन। तो तीनों फिनोमिना को हम थोड़ा सा समराइज कर देते हैं यहाँ पे। हमारे पास देखो तीन फिनोमिना है इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर के अंदर, तीन फिनोमिना आते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्प्टन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है बहुत ही लो एनर्जी फिनोमिना है ये हमें दिखता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कॉम्प्टन इफेक्ट है इसके लिए जो एनर्जी की रेंज है वो मीडियम होनी चाहिए। लो एनर्जी मतलब किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, मीडियम रेंज मतलब 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारे पास है कॉम्प्टन इफेक्ट। और पेयर प्रोडक्शन है ये जो फिनोमिना होता है वो है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 50 मेगा 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस रेंज में होगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो ये तीनों की एनर्जी रेंज है। यदि हम जो मैटर ले रहे हैं, जो एटम ले रहे हैं, जो भी मैटर ले रहे हैं जिससे रेडिएशन इंट्रैक्ट कर रही है, वो मेटल बहुत ज़्यादा हैवी है, एटम है जो जिससे रेडिएशन इंट्रैक्ट करेगी, यदि वो बहुत ज़्यादा हैवी है, हैवी एटम की बात करें, तो यहाँ पे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमिना है वो हायर एनर्जी के लिए भी हमें दिखता है। ठीक है, जो यदि हम हैवी एटम की बात करें, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली बाउंड है एटम से, हैवी एटम में इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड एटम से, तो हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो लो एनर्जी, उसकी जो रेंज है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक चली जाती है। इसकी प्रोबेबिलिटी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो प्रोबेबिलिटी है वो हायर एनर्जी पे भी हमें दिखती है। तो इनका जो हम ग्राफ बनाएं, लाइटर एटम के लिए यदि हम ग्राफ बनाएं, मतलब एटम कौन सा जो इंटरेक्ट कर रहा है रेडिएशन से, ठीक है, लाइटर एटम के लिए हमारी ये एनर्जी रेंज है, मान लो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये हमारे पास एनर्जी रेंज है। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये प्रोबेबिलिटी है वाई एक्सिस पे, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज में मैक्सिमम होगी, ठीक है, उसके बाद वो डिक्रीज कर जाएगी। जो हमारा कॉम्प्टन इफेक्ट है उसकी प्रोबेबिलिटी है वो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज में ज़्यादा होगी, ठीक है, ये कॉम्प्टन इफेक्ट होगा, हमें ये प्रोबेबिलिटी 1 ले लेते हैं हम, ठीक है, कॉम्प्टन इफेक्ट। रफ ग्राफ है एक तरीके से। जो पेयर प्रोडक्शन है वो हाई एनर्जी पे उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, ये है पेयर प्रोडक्शन, और ये हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, दिस इज द ग्राफ। और हैवियर एटम के केस में ये थोड़ा जो ये ड्रॉ कर लो, हैवियर एटम के केस में मैं यही मॉडिफाइड कर देता हूँ, हैवियर एटम के केस में ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो थोड़ा सा ग्राफ है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, एनर्जी रेंज है थोड़ी सी आगे शिफ्ट हो जाएगी। पेयर प्रोडक्शन की एनर्जी लगभग यहीं रहेगी हमारे पास। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमिना है वो हमारा, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हैवियर एटम के लिए, जब हम हैवियर एटम की बात कर रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। हायर एनर्जी पे भी हमें जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमिना है वो हमें मेजर होगा हायर एनर्जी पे भी। ठीक है, तो ये एक थियोरेटिकल ग्राफ है, ठीक है, रफ ग्राफ है, कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे, एग्जैक्ट एनर्जी की वैल्यू नहीं बताएगी, क्योंकि फिनोमिना एक ही है, तीनों फिनोमिना एक ही, इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, लेकिन एनर्जी के वेरिएशन पे डिपेंड करता है क्या होगा। कॉम्प्टन स्कैटरिंग है जो वो मिड एनर्जी रेंज में होगी, जो पेयर प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी रेंज में होगी, और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो लो एनर्जी रेंज। यहाँ पे एक जनरल फार्मूला है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, देखो एब्जॉर्प्शन ऑफ इंटेंसिटी का एक जनरल फार्मूला है। देखो यहाँ पे इंटेंसिटी है एब्जॉर्ब होगी, देखो यहाँ पे जब तीनों फिनोमिना की हम बात कर रहे हैं, जब रेडिएशन है वो मैटर से इंट्रैक्ट करेगी, रेडिएशन मैटर से इंट्रैक्ट करेगी, ठीक है, ये हमारे पास मैटर है कोई, इससे रेडिएशन इंट्रैक्ट करेगी, तो इसकी इंटेंसिटी है, मान लो इनिशियल इंटेंसिटी आई नोट थी, तो इसकी इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी एब्जॉर्ब होगी। जो एब्जॉर्ब इंटेंसिटी होगी वो होगी हमारे पास ई टू द पावर माइनस म्यू एक्स, एक्स है हमारी थिकनेस ऑफ मैटर,
परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ऑब्वियसली हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, रेडिएशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसकी थिकनेस क्या है। तो यहाँ पे जो म्यू होगा वो होगा एब्जॉर्प्शन एटीन्यूएशन कॉन्सेंट, एब्जॉर्प्शन एटीन्यूएशन कॉन्सेंट। ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, मैटर पे डिपेंड करता है किस टाइप का मैटर ले रहे हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आई बाई आई नॉट, ये फॉर्मूला बस याद रखना तुम, ठीक है। यहाँ से हम थिकनेस भी देख सकते हैं, लॉग ले लो, या इसको हम ये लिख सकते हैं म्यू एक्स लॉग आई नॉट बाई, तो यहाँ से एक्स आ जाएगा वन बाय म्यू लॉग आई नॉट बाई आई, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रखना, एग्ज़ाम में काफ़ी बार, कई बार क्वेश्चन बन जाता है इस फॉर्मूले से डायरेक्ट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तुम याद रखना यहाँ पे, ठीक है। देखो अभी तक हमने डिस्कस किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, ये जो तीनों फिनोमिना हैं ये बताते हैं, जो देखो इन तीनों फिनोमिना को एक्सप्लेन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ प्लांक हाइपोथेसिस, ठीक है। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और हमारा कॉम्पटन इफेक्ट है उसको प्लांक हाइपोथेसिस के बेसिस पे हमने एक्सप्लेन किया। लेकिन ये जो पेयर प्रोडक्शन फिनोमिना है इसको हम देखो, क्वांटम मैकेनिक्स दो टाइप की है, यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स को भी दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, क्लासिकल क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल क्वांटम मैकेनिक्स, और दूसरी है रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। जो डिराक ने प्रपोज की थी, हम रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स नहीं पढ़ने वाले यहाँ पे, हम सिर्फ क्लासिकल क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बात करेंगे। और क्लासिकल क्वांटम मैकेनिक्स जो श्रोडिंगर मैकेनिक्स है, उस मैकेनिक्स ने सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, लेकिन पेयर प्रोडक्शन को वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिविस्टिक फिनोमिना आ रहा है हमारे पास। तो इसको एक्सप्लेन किया पेयर प्रोडक्शन को रिलेटिविस्टिक, इसलिए हम ज़्यादा इसके बारे में पढ़ते नहीं है ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि ये रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में आ जाता है, ठीक है। जब रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स तुम हायर स्टडी हायर एमएससी लेवल पे पढ़ोगे रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स, तो वहाँ पे तुम डिस्कस करोगे इसको, अच्छे से डिस्कस करोगे पेयर प्रोडक्शन फिनोमिना को, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिर्फ क्लासिकल क्वांटम मैकेनिक्स की बात करेंगे। तो अभी तक हमने जो भी तीनों फिनोमिना पढ़े, इसमें हमने कंसिडर किया भाई जो लाइट है वो एक वेव है, सॉरी लाइट वेव माना गया था, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ करते हैं भाई जो लाइट है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करते हैं, उन पार्टिकल को हम फोटोन कहते हैं, ठीक है। दीज आर दी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, और इनको प्लांक हाइपोथेसिस के बेसिस पे एक्सप्लेन किया गया। अब इसके बाद देखो हम बात करेंगे, जो पार्टिकल है एक मूविंग पार्टिकल है वो वेव की तरह बिहेव कर सकता है, जो डी ब्रोगली ने हाइपोथेसिस दी थी, क्योंकि हमें पता है नेचर लव सिमेट्री, नेचर लव सिमेट्री का मतलब है यदि वेव पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है तो एक मूविंग पार्टिकल है वो वेव की तरह बिहेव कर सकता है, ये डी ब्रोगली ने प्रपोज किया था। लेकिन मूविंग पार्टिकल है, इट हैज़ ए मोमेंटम पी, इट इज़ मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, इट इज़ एसोसिएटेड विद ए वेव, दिस वेव इज़ कॉल्ड एज मैटर वेव, दिस इज़ प्रपोज बाय द डी ब्रोगली, ठीक है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कहते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फिर वेवलेंथ हम देखेंगे, अलग अलग वेवलेंथ के जो मैटर वेव है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, उसके अलग अलग फॉर्मूला क्या होंगे, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम एंटर कर चुके हैं, क्वांटम मैकेनिक्स की जो शुरुआत है वो यहीं से हुई थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वो भी देखो उसका भी काफ़ी योगदान है क्वांटम मैकेनिक्स के डेवलपमेंट में, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, लेकिन हम उसको थोड़ा सा अलग लेके चलेंगे उस टॉपिक को हम डिटेल में करेंगे, क्योंकि वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में भी हम डिस्कस करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में भी डिस्कस, काफ़ी जगह वो टॉपिक आता है, तो उसकी एक अलग से डिस्कस करेंगे उस टॉपिक को, डिटेल में डिस्कस करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस मैटर वेव के बारे में, और यहाँ से हम क्वांटम मैकेनिक्स में एंटर कर चुके हैं मैटर वेव से, ठीक है। बेसिकली यही ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, यही है फिनोमिना है, तीन चार फिनोमिना यही ओरिजिन है क्वांटम मैकेनिक्स का। अब हम क्वांटम मैकेनिक्स का जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड है वो सेट करेंगे, मैथमेटिकली क्वांटम मैकेनिक्स को हम कैसे एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। अभी तक हमने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था पार्टिकल नेचर ऑफ वेव, ठीक है। एक लाइट है, इट इज़ मूविंग विद वी वेलोसिटी, इट बिहेव लाइक ए पार्टिकल, दिस पार्टिकल इज कॉल्ड एज फोटोन पार्टिकल।
जो काफ़ी फिनोमिना को भी एक्सप्लेन करता है, लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, इन सभी फिनोमिना को जो एक्सप्लेन करता है। एक्चुअल में जो पेयर प्रोडक्शन है, इट इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दैट आइंस्टीन प्रेडिक्टेड दैट थ्योरी एनर्जी मास रिलेशन, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी मास रिलेशन एंड क्वांटम मैकेनिक्स वी कैन एक्सप्लेन द पेयर प्रोडक्शन इन क्वांटम रिलेटिविस्टिक केस। ठीक है, तो यहाँ हम जो पार्टिकल नेचर ऑफ वेव है, दिस एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल का मतलब है एक पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी वी, इट इज एसोसिएटेड विद ए वेव, दिस वेव इज कॉल्ड एज मैटर वेव। ठीक है, इसको मैटर वेव कहा गया। और ये जो फिनोमिना है, दिस हाइपोथेसिस प्रपोज्ड बाय द डी ब्रोगली, इसको डी ब्रोगली ने प्रपोज किया था। ठीक है, ए मूविंग पार्टिकल, लिख देता हूं मैं यहां पर, ए मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद ए वेव इज कॉल्ड एज मैटर वेव। मैटर वेव कहते हैं उसको, और इसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है एच अपॉन पी। पी इज द मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल, दैट मूविंग पार्टिकल। ठीक है, एच है यहाँ पे प्लांक कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू सभी को पता होगी, प्लांक कॉन्स्टेंट की 6.634 × 10⁻³⁴ जूल इंटू सेकेंड। दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द मूविंग पार्टिकल, दिस प्रपोज्ड बाय द डी ब्रोगली। ठीक है, यहाँ पे जो पी मोमेंटम है यहाँ पे, और ये जो वेवलेंथ होगी फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, बहुत स्मॉल पार्टिकल के लिए, यदि हमारे पास जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उनके लिए, बहुत स्मॉल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, इनके लिए जो वेवलेंथ होगी वो इनके लगभग साइज के इक्वल होगी, उनका जो साइज है लगभग उसके इक्वल होगी। लेकिन वो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे एक बॉल, एक क्रिकेट बॉल, ठीक है, बहुत ही बड़ा पार्टिकल हमारे पास, एक क्रिकेट बॉल इज मूविंग विद वेव वेलोसिटी, या कोई भी हमारे पास कोई भी मतलब क्लासिकल केस ले लो, कोई भी पेंडुलम वगैरह, ठीक है, उनकी जो वेव होगी, वेवलेंथ होगी, इट इज़ वेरी लेसर देन दी साइज ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उसमें जो वेवलेंथ होगी वो साइज के इक्वल होगी। जैसे ये इलेक्ट्रॉन ले लो, ये इलेक्ट्रॉन इज एसिलेटेड विद ए सम वेलोसिटी, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन ले लो, एक इलेक्ट्रॉन ले लो जिसकी सम काइनेटिक एनर्जी है, एक प्रोटॉन ले लो, जैसे एक प्रोटॉन ले लिया हमने जिसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी है, मान लो 50 MeV काइनेटिक एनर्जी, 50 MeV उसकी काइनेटिक एनर्जी है, 50 MeV मतलब 50 × 10⁻⁶ इंटू 1.6 × 10⁻⁹ जूल, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन। तो इस काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में हमें रिलेशन पता है, पी स्क्वायर बाय 2m, ये काइनेटिक एनर्जी है, तो यहाँ से आ जाएगा पी, आ जाएगा 2m इंटू दिस काइनेटिक एनर्जी, 50 × 10⁻⁶ इंटू 1.6 × 10⁻⁹ जूल। m की वैल्यू पुट कर देंगे, प्रोटोन का मास जो भी है 10⁻²⁷, तो मोमेंटम आ जाएगा, एच की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे जो हमारे पास वेवलेंथ आएगी वो आएगी अराउंड 10⁻¹⁵ मीटर, कैलकुलेट कर लेना, ये आएगी अराउंड 10⁻¹⁵ मीटर। और जो प्रोटॉन का जो साइज है, प्रोटॉन पार्टिकल का जो साइज है वो भी अराउंड इतना ही होता है 10⁻¹⁵ मीटर, उसके जो रेडियस होती है प्रोटॉन की, ठीक है, मतलब वो साइज के इक्वल होगी। और एक हमारे पास बॉल है, 10 ग्राम की बॉल है, विच इज़ मूविंग विद 1000 m/s, एक 10 ग्राम की बॉल है मान लो, विच इज़ मूविंग विद 1000 m/s, और इसकी जो वेवलेंथ होगी वो अराउंड होगी 10⁻¹⁵ मीटर। ठीक है, कैलकुलेट, रफ आइडिया ले रहा हूँ मैं, एक रफ आइडिया है हमारे पास, 10 ग्राम की बॉल है विच इज़ मूविंग विद 1000 m/s, ठीक है, उसका जो मोमेंटम है, उसकी जो वेलोसिटी है वो, ये मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हो तुम, तो उसकी वेवलेंथ लगभग कितनी होगी, मतलब उसके साइज से बहुत ज़्यादा कम होगी, उसका साइज तो बहुत बड़ा होगा, 10 ग्राम की बॉल का साइज बहुत बड़ा होगा, एक फिक्स डायमीटर होगा उसका, ठीक है, बहुत मिलीमीटर या माइक्रो मिलीमीटर कह सकते हो, या तुम मतलब 10⁻¹⁵ से काफ़ी लार्ज क्वान्टिटी होगी, ठीक है, सेंटीमीटर कह सकते हो, मिलीमीटर कह सकते हो, ठीक है, तो वेवलेंथ में ये डिफरेंस होगा हमारा। तो कहने का यही मतलब है, कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, वी कैन कैलकुलेट दी वेवलेंथ ऑफ दैट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है, इस फॉर्मूला से हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ
ऑफ ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए पोटेंशियल. दिस लैम्डा इज कॉल्ड एज द डी ब्रोगली वेवलेंथ. ठीक है, तो नाउ वी कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर ए चार्ज पार्टिकल इन ए पोटेंशियल. एक पोटेंशियल में मूव कर रहा है चार्ज पार्टिकल, तो उसकी लेट्स से इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन भी हो सकता है, इट इज मूविंग इन ए पोटेंशियल वी. तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी ई इंटू वी. ठीक है, चार्ज इंटू पोटेंशियल, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल विच इज मूविंग इन ए पोटेंशियल वी. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज ई इंटू वी. अब देखो यहाँ पे दो केस बन सकते हैं क्योंकि ये बहुत स्मॉल पार्टिकल है. यदि हम रिलेटिविस्टिक केस को भी कंसिडर करें तो यहाँ पे बेसिकली दो केस होंगे. एक तो होगा नॉन रिलेटिविस्टिक केस, मतलब बहुत ही कम वेलोसिटी है, और एक केस होगा हमारे पास रिलेटिविस्टिक. दो केस होंगे हमारे पास. नॉन रिलेटिविस्टिक केस में जो काइनेटिक एनर्जी होगी डायरेक्ट पी स्क्वायर बाय 2m, लेकिन रिलेटिविस्टिक केस में हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसका थोड़ा फॉर्मूला अलग होगा. उसकी जो टोटल एनर्जी होगी पार्टिकल की वो होगी पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4. तो यहाँ से हम मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे, मोमेंटम की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे. ये टोटल एनर्जी होगी पार्टिकल की, क्योंकि एक रेस्ट मास एनर्जी होगी, ठीक है, और एक काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी. ठीक है, या डायरेक्ट हम ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी. तो हम ये भी लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ई माइनस रेस्ट मास एनर्जी, ये भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट यहाँ से मोमेंटम कैलकुलेट कर लो, इस फॉर्मूले से मोमेंटम की वैल्यू पुट कर. तो लैम्डा हमारे पास है एच अपॉन पी. यदि हम नॉन रिलेटिविस्टिक केस की बात करें तो पी होगा, काइनेटिक एनर्जी को हम ई से के ई से लिख दो काइनेटिक एनर्जी को, तो पी होगा हमारे पास नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए 2m के ई. ठीक है, तो वेवलेंथ आएगी एच अपॉन 2m के डॉट ई. तो यहाँ से एच अपॉन 2m, काइनेटिक एनर्जी कितनी है एक्सेलरेटेड किसी पोटेंशियल में चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया गया, तो ई इंटू वी. ठीक है, यहाँ पे V पोटेंशियल है, दिस V इज द पोटेंशियल. तो यहाँ से H की वैल्यू हमें पता है, इलेक्ट्रॉन का मास पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे आएगा 12.27 अपॉन रूट V आर्मस्ट्रॉन्ग. दिस इज द वेवलेंथ ऑफ ए इलेक्ट्रॉन विच इज नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल. नॉन रिलेटिव मतलब बहुत ही उसकी स्पीड बहुत ही कम है. ठीक है, तो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो ये होगी, पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी. ठीक है, अब हम बात करते हैं रिलेटिविस्टिक केस के. रिलेटिविस्टिक केस में हमें मोमेंटम यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो देखो, रिलेटिविस्टिक केस में हमारी जो टोटल एनर्जी होगी, एक तो ई वी काइनेटिक एनर्जी होगी हमारे पास, और प्लस रेस्ट मास एनर्जी होगी, ये हमारे पास टोटल एनर्जी होगी, इसका स्क्वायर आ जाएगा टोटल एनर्जी को. ये तो हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है मोमेंटम की फॉर्म में, पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4. एक फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी प्लस एम नॉट सी. काइनेटिक एनर्जी तो है हमारे पास ई वी. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी तो ई वी लिख दी हमने, प्लस एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर. इसको जब सॉल्व करेंगे हम, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 टू ई वी एम नॉट सी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगी टर्म हमारे पास. ठीक है, तो पी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास ई स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस टू ई वी एम नॉट बाय सी स्क्वायर. ठीक है, सी स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ नीचे सी स्क्वायर आ जाएगा, सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से हम देखो पी को लिख सकते हैं टू ई वी एम नॉट को हमने कॉमन ले लिया, 1 प्लस ई स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर टू ई वी एम नॉट की पावर हाफ, और इसकी पावर हाफ, ये आ जाएगा हमारे पास पी. ये पी आ जाएगा, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो लैम्डा निकाल लेंगे यहाँ से. तो रिलेटिविस्टिक केस में हमारे पास जो वेवलेंथ आएगी एच अपॉन रूट 2mev हाँ 2m0 लिख लो इसको, 2m0 ev 1 प्लस ई स्क्वायर से एक ई कैंसिल हो जाएगा, वी से एक वी कैंसिल हो जाएगा, तो ई वी
ऊपर बचेगा ई वी बाय टू एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है, ये रूट में है। तो ये हमारे पास वेवलेंथ होगी रिलेटिविस्टिक केस में, रिलेटिविस्टिक केस, ठीक है, रिलेटिविस्टिक केस में ये वेवलेंथ होगी। अब देखो यदि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो रेस्ट मास एनर्जी से बहुत ज़्यादा लार्ज हुई, काइनेटिक एनर्जी है ई वी वो रेस्ट मास एनर्जी से बहुत ज़्यादा लार्ज हुई, ठीक है, तो यहाँ पे ये टर्म सर्वाइव करेगी 1 प्लस ई वी, ठीक है, ये टर्म सर्वाइव करेगी और ये केस रिलेटिविस्टिक केस होगा, रिलेटिविस्टिक केस। यदि ई वी की वैल्यू लेस देन एम नॉट सी स्क्वायर है, ठीक है, इस केस में क्या होगा हमारे पास, ये टर्म है वो लगभग जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे ये हमारा जो केस है वो नॉन रिलेटिविस्टिक बन जाएगा, एच अपॉन टू एम ई वी, ये नॉन रिलेटिविस्टिक केस होगा हमारा, जिसमें काइनेटिक एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी से बहुत ज़्यादा कम है। इसका मतलब है जो पार्टिकल की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा लो है, लो वेलोसिटी है पार्टिकल, स्पीड ऑफ लाइट से पार्टिकल की वेलोसिटी, जो चार्ज पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा लो है, तो वहाँ पे हम रिलेटिविस्टिक केस करने की जरूरत नहीं है, नॉन रिलेटिविस्टिक केस होगा यहाँ पे, ठीक है। यदि रिलेटिविस्टिक केस की बात करेंगे तो ये हमारे पास वेवलेंथ होगी। तो अब हम डिस्कस करते हैं ए पार्टिकल हैविंग थर्मल एनर्जी, ठीक है, एक पार्टिकल थर्मल एनर्जी से मूव कर रहा है, हाई टेम्परेचर है, गैसियस पार्टिकल की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर टी है, ठीक है, एक आइडियल गैस है मान लो हमारे पास, इसका टेम्परेचर टी है, ठीक है, टी टेम्परेचर है, इसमें जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं वी वेलोसिटी से, उनकी वेवलेंथ क्या होगी, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी, ठीक है, जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी है, तो इन पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू हाफ के बी टी, डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू हाफ के बी टी, चाहे मॉलिक्यूल हो, मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू हाफ के बी टी, के बी बोल्ट्जमान कॉन्स्टेंट है, टी टेम्परेचर है, तो ये काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 1, 2, 3 वन डायमेंशन के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होगी हमारी वो होगी हाफ के बी टी, टू डायमेंशन के लिए हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी के बी टी, और थ्री डायमेंशन के लिए जो हमारे पास एनर्जी होगी वो होगी 3/2 के बी टी, तो इनके लिए अलग अलग डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी, डी ब्रोगली वेवलेंथ एच अपॉन 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है हाफ के बी टी, टू डायमेंशन के लिए के बी टी, थ्री डायमेंशन के लिए 2m 3/2 के बी टी, ये मेरे पास वेवलेंथ होगी, ठीक है। अब हमें पता है बहुत सारे पार्टिकल है यहाँ पे, सभी पार्टिकल मूव कर रहे हैं वी वेलोसिटी से, यहाँ पे बहुत सारी वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहाँ पे एक वेलोसिटी होगी हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होगी वो होगी 2 के बी टी बाय एम, जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हमारी, ठीक है, ये मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन से हम फाइंड करते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। एक आरएमएस वेलोसिटी होती है हमारे पास, आरएमएस वेलोसिटी होती है 3 के बी टी बाय रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, 3 के बी टी बाय एम, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के लिए हमारे पास जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के लिए एच अपॉन वेलोसिटी ये है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, इनटू 2m, 2m इनटू हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 2m इनटू हाफ m, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कितनी है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हमारे पास वी स्क्वायर 2 के बी टी बाय एम, रूट का स्क्वायर कर देंगे, m से m कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो h बाय 2m के बी टी, तो हमारे पास ये जो वेवलेंथ होगी ये मोस्ट प्रोबेबल वेवलेंथ होगी, ये जो वेवलेंथ होगी गैसीय सिस्टम में, ठीक है, जिसकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी 2 के बी टी बाय एम है, तो ये जो वेवलेंथ होगी दिस इज दी मोस्ट प्रोबेबल वेवलेंथ, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई भी चार्ज, कोई भी हमारा गैसीज पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, थर्मल मोशन कर रहा है टेम्परेचर के, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा वेवलेंथ उतनी कम होगी, क्योंकि वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ेगी, तो वेवलेंथ है वो उतनी ही ज़्यादा
तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है। अभी देखो हमने कॉम्पटन इफेक्ट डिस्कस किया था, कॉम्पटन इफेक्ट में हमने क्या डिस्कस किया था, कॉम्पटन इफेक्ट में हमने डिस्कस किया था कॉम्पटन वेवलेंथ के बारे में, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रॉन है जो फोटोन है वो मूव कर रहा है तो उसकी कुछ वेवलेंथ होगी, कॉम्पटन वेवलेंथ होगी एच बाय एम नॉट सी, ठीक है। ये कॉम्पटन वेवलेंथ थी हमारे पास। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये कॉम्पटन वेवलेंथ है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन है मान लो, एक इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है मान लो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और उसकी जो वेवलेंथ है वो कॉम्पटन वेवलेंथ के इक्वल है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी वी, इस डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इक्वल टू द कॉम्पटन वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इक्वल टू कॉम्पटन वेवलेंथ, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे ये लैम्डा है हमारे पास एच अपॉन पी, एच अपॉन एम वी, एच अपॉन एम वी, तो यहाँ पे लिख देंगे एच अपॉन एम को लिख देंगे एम नॉट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है, इन टू वी, ये वी वेलोसिटी इसकी इज इक्वल टू कॉम्पटन वेवलेंथ एम नॉट सी, एम नॉट से एम नॉट कैंसिल हो, यहाँ पे हम देखो मास को लेंगे एम नॉट अपॉन वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, रिलेटिविस्टिक मास लेंगे क्योंकि मूविंग पार्टिकल है, ठीक है। तो यहाँ से एम नॉट कैंसिल हो जाएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास वी बाय सी रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, टू वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल टू वन, तो वी आ जाएगा सी स्क्वायर बाय टू, तो वी आ जाएगा हमारे पास सी बाय रूट टू। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज मूविंग विद दैट, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट हैज वेवलेंथ इक्वल टू कॉम्पटन वेवलेंथ एच बाय एम नॉट सी, दिस इज द कॉम्पटन वेवलेंथ, ठीक है। क्योंकि हमने फॉर्मूला निकाला था वेवलेंथ शिफ्ट का, ये कॉम्पटन वेवलेंथ थी वन माइनस कॉस बाय, यदि एक इलेक्ट्रॉन है वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है जिसकी वेवलेंथ कॉम्पटन वेवलेंथ के इक्वल है, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी सी बाय रूट टू।